It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि एक्सेल के अंदर डिस्काउंट शीट कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें 3x7 का शेप लेना है। यहाँ पे 3x7 का शेप लेने के बाद उसे मर्ज लेना है और वहां पे डिस्काउंट शीट लिख देना है। डिस्काउंट शीट लिखने के बाद हमें फर्स्ट में आना है और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देना। अब यहाँ पे लिखना है हमें सीरियल नंबर। लिखने के बाद अगले वाले का साइज थोड़ा सा बड़ा करना है और फिर यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिख लेना। नेम ऑफ आइटम लिखने के बाद हमें लिखना है क्वांटिटी। लिखने के बाद हमें यहाँ पर लिखना है प्राइस। प्राइस लिखने के बाद हमें लिखना है डिस्काउंट। इसके लिए सबसे पहले हमें साइज बड़ा करना है, फिर यहाँ पे डिस्काउंट लिख देना है। डिस्काउंट लिखने के बाद अगले वाले का भी साइज बड़ा करना है और यहाँ पे टोटल डिस्काउंट लिख देना है। टोटल डिस्काउंट लिखने के बाद अब हमें यहाँ लिखना है नेट प्राइस। नेट प्राइस लिखने के बाद अब हमें सीरियल नंबर में लिखने है 1। अब इसे नीचे की तरफ एरो से पकड़ के ले लेंगे। यहाँ पे कर देंगे फिल सीरीज। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में लिखना है, जो भी आइटम आपके पास हो वो लिख सकते हो। ये आपको चाहिए हो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मदरबॉक्स। अब हमें यहाँ क्वांटिटी लिखनी है, कौन सी चीज हमें कितनी चाहिए। अब मेरे को माउस चाहिए 8, कीबोर्ड 5, सीपीयू 4, मदरबॉक्स 4, रोम 8। अब यहाँ पे प्राइस लिखना है, तो माउस का प्राइस है 200 और कीबोर्ड का प्राइस भी है 200, सीपीयू का प्राइस है 2000, मदरबॉक्स का प्राइस है 1500। अब यहाँ पे रोम का प्राइस है 800। अब यहाँ पे डिस्काउंट पे आप कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहते हैं वो लिखना है। यहाँ जिसकी मैं इस पे ले रहा हूँ 2% डिस्काउंट, यहाँ पे 5%, यहाँ 5.8%, यहाँ पे 9.9%। अब यहाँ पे टोटल डिस्काउंट के लिए हमें इक्वल करना है, यहाँ पे प्राइस पे क्लिक करना है, फिर गुना क्वांटिटी पे क्लिक करना है, गुना डिस्काउंट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे कर देंगे बटा 100। ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे अब आपके रेट क्या जाएगी कि आपको इतने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। अब यहाँ पे नेट प्राइस पे आएंगे, यहाँ पे हम प्राइस डालना है। इसके लिए इक्वल प्राइस गुना क्वांटिटी, यहाँ पे माइनस करना है हमें टोटल डिस्काउंट। यहाँ पे एंटर करेंगे ये आ जाएगा। अब इसके कॉर्नर पे डबल क्लिक करने से ये नीचे पहुंच जाएगा। इसमें से ये लास्ट डिजिट हटा देंगे पॉइंट वाली और यहाँ पे हमारी वो डिस्काउंट शीट बन जाएगी।